अस्सलाम वालेकुम, ये वही हेयर स्टाइल है। ठीक है, तो उसको मैंने बैक बैक से खोल दिया। ठीक, और ये थोड़ा बैठ गया था तो इसको उठाने के लिए मैंने मॉडल में स्टिक लगा। ओके, इसके पीछे सपोर्ट नहीं है, ये रुक नहीं रही। इस तरह से इसको अंदर रखती है। ठीक है, अब इस तरफ डेकोमिंग करनी होती है ना, जो वो हम इसको जो मैंने वो हेयर स्टाइल बनाया हुआ था उसमें ये डेकोमिंग की हुई थी, जो आप लोगों के सामने डेकोमिंग की थी वही हम रहने देंगे। ठीक है, और बालों को सुलझा लेंगे अच्छी तरह। इस पार्ट को भी हम साइड में कर देंगे, सेक्शन क्लिक। और ये वाला भी जो सेक्शन है इसको भी हम अभी फिलहाल साइड में रखते हैं। ये हो गया। अब हम बालों को पोनी बनाएंगे। बालों को अच्छी तरह से सुलझाएंगे और जिस तरफ हमें ये हमारी जो पोनी आएगी ना वो इस तरफ आएगी। ठीक, ये कान की इस तरफ पोनी हम बना रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, मैंने ब्लैक रबर बैंड ले लिया। ठीक है, और ये छोटी वाली हम बॉब पिन लेंगे और इसमें रेजर को डाल देंगे। ठीक है, यानी रबर बैंड को डाल देंगे और इसको हम इस तरह से अच्छे तरीके से इस तरह फिंगर में डालेंगे और इसको इस तरह से कर देंगे। और ये वाला जो रेजर का इस रबड़ है इसको हम इसमें डाल देंगे, इसको दो से तीन बल देके अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। ठीक है, अभी आप देखिए अंदर कर देंगे और ये हमारा इतना हो गया। अब इस बालों को जो हमारी ये पोनी हो गई, अब इन बालों को हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे इस तरह। ठीक है, आप ये बड़ी वाली पिन भी ले सकते हैं, इस बड़ी वाली पिन को इस तरह से लगाओ। ठीक है, दो तरफ ही आ गए, तो एक हम बीच में लगाएंगे। बीच में हम ये जो हमारी ये वाली पिन है इसका जो लास्ट पॉइंट है उससे हम क्रॉस करके फिर ये वाली पिन का आखिरी पॉइंट और ये वाली पिन का आखिरी पॉइंट। ठीक है, ये पिन लॉक करेगी इन दोनों पॉइंट को। ठीक है, आप ये इस तरह से और इसको इस तरह से लॉक कर। एक तो ये तरीका होता है इसको इस तरह से लॉक करने का, और ये देखिए आपका ये आ जाएगा। ठीक है, हमें ये चीज़ चाहिए होती है फिनिशिंग, ये आ गया। अब इसके बाद हम इन बालों को टेंगल फ्री कर देंगे। ठीक है,
रबर बैंड लेंगे और इसको हम इस तरह से लॉक कर देंगे, ठीक। और फिर इसको हम इस तरह से यूँ, मेरी डमी के बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है, ये हमारे इस तरह से। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, इसको हम यूँ, इसके अंदर हम वैक्यूमिंग करेंगे, और अगर बाल ज़्यादा छोटे हैं ना तो काट के रखा हुआ, ठीक है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करके ये इस तरह से, ठीक, और इसके अंदर इस तरह डाल दें। जिनके बाल छोटे होते हैं मैं उनके लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये वाली बड़ी जूड़ा पिन, ठीक है, ये बड़ी वाली जूड़ा पिन है, उसको हम, आप देखेंगे मैं किस तरह से अंदर, हम सुई धागे से सिलाई जिस तरह करते हैं ना उस तरह से, ये देखें, इसको हमने इसके अंदर यूँ डाला, ये वाला हिस्सा हम इसके अंदर यूँ डालेंगे, ठीक, और ये वाला हिस्सा फिर इसके अंदर यूँ निकालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला हिस्से को हम अंदर की तरफ पिन कर देंगे, ठीक है, ये आप देखें, ये देखिए बिल्कुल आपका ये साफ सुथरा बन गया, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं। ये हो गया तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका है यही वन बबल बनाने का, इसमें बस हम पिंस को चेंज करेंगे और कुछ चेंज नहीं होता, बाकी तरीका एक ही होता है। ये वाली हमने पिन जो लगाई थी ना बड़ी वाली, अब इसकी जगह हम लगाएंगे ये जूड़ा पिन, ठीक है, वही जूड़ा पिन बड़ी वाली। इन बालों को हमने सारे को इस तरह से किया, ठीक है, और इनको हम इसके अंदर से डाल के ये वाले हिस्से से इसको थोड़ा सा हम कर देंगे, खोल देंगे ताकि पिन हमारी आसानी से लगे, तो इसको इसके अंदर से डाल के फिर हम इसके अंदर निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर ये वाला हम जहाँ हमारी ये पिन ख़त्म होगी ना, ये वाला हाफ हिस्सा उसी के अंदर से आधा इधर आधा इधर, ठीक है, और ये वाला हिस्सा हम हमारे जो अंदर की तरफ बाल हैं उनके अंदर से निकाल के फिर रबर बैंड के अंदर से निकालेंगे, ठीक है। हमें ये चीज चाहिए, ठीक है, फिर इसको हम, अगर बाल बड़े हैं तो हम बालों को थोड़ा सा ले लेंगे, ठीक है, यह इतने बाल लेंगे, इसकी हल्की सी हम डेकोरेट करेंगे। अगर बड़े बाल हैं तो हम थोड़ी ज्यादा इस तरफ करेंगे, ठीक है, अभी तो हमारे बाल ये छोटे हैं तो हमें बिल्कुल हल्की सी करनी है। एक इस तरफ हो गए, ठीक, दूसरा हम हल्की सी यहाँ पे भी हल्की डेकोरेशन करेंगे, ठीक होगी। अब ये इन बालों को हम इस तरह से सेट करके, ठीक है, इस तरह से सेट करके फिर हम रबर बैंड लगाएंगे। अगर आप रबर बैंड नहीं लगाना चाहते तो आप ये देखें इस तरह से करके इसको इस तरह से वही आप ये वाली पिन, बड़ी वाली पिन हम क्लाइंट से कहेंगे कि गर्दन नीचे करें, ठीक है, और इन बालों को हम इस तरह से लेके ये इस तरह से रखेंगे, ठीक है, ये दो फिंगर के बीच, दो अंदर जाएंगे दो बाहर आएंगे, और इसको हम यूँ करते, ठीक है। और एक बात का ज़रूर ये ख्याल रखें कि पिंस कभी भी मुँह से ना खोलें, ठीक है, मना जरासीम लगते हैं एक दूसरे के।
एप्पल शेप में, हाफ एप्पल हमारा होता है ना, ये वन बबल उस तरह का। जैसे कि आपको पता है अभी इस डमी के बाल छूते हैं तो इसमें उभरापन नहीं आ रहा, जैसे हमने बैककॉम्बिंग कम की थी, ठीक है। तो उसकी बैककॉम्बिंग उसको उभारने के लिए देख लेना चाहिए कि हम क्लाइंट के किस तरह से हमें बालों को सेट करना है। जब आप ये काम करते हैं ना तो फिर आपको खुद बहुत हर चीज समझ में आती रहती है। ये दो तरीके तो होते हैं, ठीक है, एक ये पिन लगाने के और एक ये रबर बैंड लगाने के। सबसे आसान जो तरीका है ये रबर बैंड वाला, ठीक है। ये रबर बैंड को लगाया, वही तरीका, दो फिंगर अंदर की तरफ, दो फिंगर बाहर की तरफ, और इसको हम यूं करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे बाल हैं इसको हम यहाँ से ये पेंस लेंगे, पेंस लेंगे और इसको यहाँ से अंदर की तरफ डालेंगे। इन बालों को हम इस तरफ ले आएंगे और इसको हम दाम, इसको भी हम यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ डाल के ये फिनिशिंग आपकी होनी चाहिए। फिनिशिंग होगी तो आपका हेयर स्टाइल परफेक्ट है, ठीक है। फिर जो आप अगर कुछ फ्लावर्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा दें, ठीक है, ताकि जो हमारी एक्स्ट्रा पिंस हैं वो अच्छे।